आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यिर्मयाह की पुस्तक 39वां अध्याय। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहरपनाह तोड़ी गई। जब यरूशलेम ले लिया गया तब नर्गल सरे सिर और समगरनबो और खोजों का प्रधान सरसकीम और मगों का प्रधान नर्गल सरे सिर आदि बेबीलोन के राजा के सब हाकिम बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। जब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों दीवारों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया। परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और उसने वहां उसके दंड की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसकी आंखों के सामने रिबला में घात किया और सब कुलीन यहूदियों को भी घात किया। उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों से जकड़वा रखा। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को उठा दिया। तब अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुए को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए थे उनको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सबको बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उसे व्यवहार करना। अतः अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूज जबान और मगों के प्रधान नर्गल सरेसर ज्योतिषियों के सरदार और बेबीलोन के राजा के सब प्रधानों ने लोगों को भेजकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन में से बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहिकाम का पुत्र और शापान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुंचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जा और एबेदमेलेक कूशी से कह, इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा, हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है।